सोलन शहर के कलीन इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। महिला के मायके के लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्होंने सोलन पहुंचकर पुलिस को मृतका के ससुराल पक्ष के लोगों पर संदेह जताते हुए शिकायती पत्र सौंपा है। मृतका के भाई अक्षय और पिता रमेश ने बताया कि मृतका रश्मि दो बच्चों की माँ थी और उसका पति अश्वनी दिव्यांग है। वो सोलन के कलीन में दुकान चलाता है। कल अश्वनी ने उन्हें फोन करके रश्मि की मौत की जानकारी दी, लेकिन उसने तीन बार में उन्हें अलग अलग कहानी बताई। इस पर उन्हें संदेह हुआ और आज वो सोलन पहुंचे तो उन्होंने रश्मि के शव को देखा। उसके गले पर निशान है, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। बात ऐसी हुई है कि मेरी बहन यहाँ शादी हुई थी 4 साल पहले 5 साल पहले, और मेरी बहन अच्छे से अपने घर में खुशी से रह रही थी। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले हुआ क्या, मेरे फुफेरे भाई की शादी थी, मेरी बुआ के बेटे की शादी है 22 अप्रैल की। अब वो वहाँ आने की जिद कर रही थी बार बार। अब इन लोगों ने जो है उसे आने जाने से मना कर दिया कि हम उसे वहीं नहीं भेजेंगे। अब हमें इस चीज का पता लगा, मेरी छोटी बहन से उसने बात की रात को 11 बजे, अच्छे से बात करी, सब कुछ ठीक ठाक बात हुई, और सुबह हमें पता लगा कि उसकी डेथ हो गई, और हमें पता लगा कि 10 बजे। अब इन्होंने हमें चार चीजें बताई कि वो बाथरूम में फिसल के गिरी है, दूसरी ये बताया कि वो दौरे पड़े थे, तीसरी बताया कि वो सोती की सोती रह गई, इस तरीके से बताया गया। लेकिन ये चीज जो है हमें बिल्कुल समझ में नहीं आई, इसी वजह से हम यहाँ आके हमने देखा भी, वो मॉर्गन रूम में पड़ी है, वहां आके हमने देखा तो उसके गले पे निशान नहीं है, और गला दबाया हुआ है और बहुत बुरी तरीके से, और नाखूनों के निशान भी पड़े हुए हैं। और जो है ना उन्होंने जो है ना यहाँ तक हमें कहा, और तो मैं देखने के लिए पुलिस वालों ने कि साइन करो, पुलिस वाले कह रहे थे मुझे कि साइन कर दो। मैं जब तक अपनी बेटी को नहीं देख लेगा मैं साइन नहीं करने का। जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया इसलिए क्या कि मुझे अपनी बेटी देखी नहीं गई, क्योंकि उसका गला दबाया, बगैर माँ की बेटी थी। और जो है ना मैं इंसाफ चाहता हूँ, और इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिसका कोई ये कहकर मर जाए कि किसी भी बगैर माँ के बेटे को, बेटी किसी भी बहू बेटी को ऐसा सताया ना जाए कभी। अभी पोस्टमार्टम में कोई पुष्टि नहीं होगी, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम होगा। अभी जो है यहाँ के जो ऑफिसर हैं, जो थाने के बड़े अधिकारी हैं, पापा जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो प्रोफेशनल अधिकारी है वहाँ के शिमला के जो डॉक्टर हैं, उनसे पोस्टमार्टम होगा, यहाँ से बॉडी रेफर होगी। पोस्टमार्टम यहाँ नहीं होता, शिमला ही होता है क्या? हाँ, ये बात बोली गई है, यहाँ होता है, लेकिन उन्होंने बोला कि हम प्रोफेशनल डॉक्टर से पोस्टमार्टम करवाएंगे, ये बात हमसे बोली गई है जो यहाँ के बड़े अधिकारी है उन लोगों ने। और उन्होंने जो है ना मेरे बेटी के ससुर ने जो है ना इतना पैसा भर दिया है, क्योंकि पैसे वाले हैं, समझे, इतना पैसा भर दिया है कि मुझ गरीब को जो है ना कि ताकि इसका जो है ना यही लीला समाप्त हो जाए। वहीं मामले की पुष्टि करते हुए एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने मृतका के पति अश्विनी को इस मामले में डिटेन किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए आईजीएमसी अस्पताल शिमला भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण में पता लगा है कि मृतका के गले में खरोंच के निशान है। फिलहाल पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज himachal.kesri।